हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को और गुड मॉर्निंग जी सभी को। अभी मॉर्निंग के 11 बजे हैं और मैंने सब काम कर लिए हैं मॉर्निंग के। नहा धो भी ली हूँ और क्लीनिंग वगैरह सब कर लिया है, झाड़ू पोछा बर्तन, और पूजा भी कर दी है मैंने लड्डू गोपाल की, और कहानी भी सुन ली है, और क्या बोलते हैं चाय भी पी ली है। और आज हो रही है तबीयत ख़राब, तो आज मुझे भी जुकाम लग गया है, गले में दर्द हो रहा है और सर में भी दर्द हो रहा है, तो अभी टैबलेट लूँगी। मैंने एक रोटी खाई है चाय के साथ में, अभी चाय बनाई थी, तो अभी एक गोली लेनी पड़ेगी क्योंकि ना तबीयत ख़राब हो रही है और घर पर मम्मी जी भी नहीं है, तो फिर अगर मैं भी बीमार पड़ जाऊँगी तो दिक्कत हो जाएगी। और यस्सू गया हुआ है स्कूल, यस्सू आज फिर भी कुछ ठीक है, तो इसलिए मैंने आज उसको स्कूल में भेज दिया है। गले में बहुत ज़्यादा ही खराश हो रही है। सुबह सोकर उठी थी ना तब तो बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, फिर मैंने गर्म गर्म पानी पिया एक गिलास, फिर चाय पी, तब जाके कुछ ठीक हुआ। और अभी भी दुख रहा है और सर भी दुख रहा है, तो अभी भी फिर से मैंने चाय बना के पी, और अभी मैंने कहा एक रोटी खा लेती हूँ फिर दवाई लूँगी, क्योंकि खाली पेट दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो मैं अभी सब्जी तो मैंने बना ली थी, यसु गया ना स्कूल जब ही बना ली थी, क्योंकि ना फिर हम ही हैं, ताऊ जी हैं और मैं और यसु, फिर मैंने कहा बार बार में क्या ही बनाना, तो मैंने अभी बना दी थी आलू गोभी गाजर मटर टमाटर की मिक्स सब्जी बनाई, थोड़ी सी बनाई है क्योंकि ना फिर पड़ी रह जाती है, फिर क्या ही करें, तो इसलिए तो यसु के टिफिन में भी डाल दी थी और ताऊ जी खा लेंगे, अभी यसु खा लेगा, अभी मैंने तो बस एक रोटी खा ली, अभी मेरा मन है नहीं, बाद में देखेंगे, शाम तक खाऊंगी तो एक आध रोटी और, तो बस अभी मैं रोटियां बनाऊंगी और गाय को देकर आऊंगी, भगवान जी को रोटी खिलाऊंगी, और मक्खन मिश्री का मैंने भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को, और अभी मेरी ड्यूटी लग गई है, जब तक मम्मी जी नहीं आएंगे तो भगवान जी की पूजा भी मुझे ही करनी पड़ा करेगी। और प्रिया और गए हुए हैं शादी में, उनके मामा के यहाँ पे शादी है, तो इसलिए, और धूप अच्छी खासी निकली हुई है, सर्दियाँ मानो गायब भी हो गई, अभी दो दिन से तो खूब तेज वाली धूप निकल रही है और जब जाके मुझे जुकाम लगी है देखें, तो चलिए जी मैं काम कर लेती हूँ, और आप बने रहिए व्लॉग में, व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी, तो बाद में मिलेंगे आपसे। तो देखिए 4:15 बज गए हैं शाम के, और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और मैंने एक कप पानी गर्म किया है तो मैं पानी पीऊँगी। आज सच में तबीयत हो गई है ख़राब, हालत ख़राब है आज, गला भी बैठ गया है एकदम, और ठंड लग रही है मुझे, ठंड वैसे नहीं है लेकिन मुझे लग रही है, मेरी तबीयत ख़राब है ना इसकी वजह से, और पैर हाथ सब दर्द कर रही हैं। मैंने गोली भी ली थी लेकिन आराम नहीं मिला है, रात को एक और लेकर सोऊंगी, और अभी मैं चाय बना रही हूँ, ये सूर्य आ गया है स्कूल से, और अभी ये गर्म पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा गले में आराम मिलेगा, सर दुख रहा है कंटिन्यू, मैं सोई भी थी थोड़ी देर लेकिन ठीक नहीं हुआ, फिर भी रहेगा, ये कोल्ड की वजह से है सब, तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ और पानी पी लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे देखिए जी चाय मेरी बनने लग रही है, और बस अभी मैं गर्म पानी किया है मैंने, तो गर्म पानी पीऊँगी बैठ करके, क्योंकि गले में ना आराम मिलता है गर्म पानी जब पीते हैं, और अच्छा वाला तेज गर्म पानी किया है मैंने, क्योंकि गले में बहुत दर्द सा हो रहा है, रुक सा गया है गला, और गर्म गर्म चीज़ जाती है ना तो फिर आराम मिलता है, तो चाय में मैंने अदरक लौंग इलायची सब चीज़ डालकर बना रही हूँ, अच्छी भी लगती है और जुकाम हो रहा है तो सही भी रहेगी जुकाम में इसलिए, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कोल्ड हो गया है तेज, और अभी मैं बैठ गई हूँ पानी पीने के लिए, और गले में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है तो इसलिए आवाज़ भी थोड़ी सी ऐसी आ रही है, तो माइंड मत करना ठीक है जी, और प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन, और शेयर भी कर दिया करो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को, और तो बस अभी तबीयत अच्छी खासी ख़राब हो चुकी है इस टाइम पे, रात को मैं अभी वही जोर कर रही हूँ, और अभी छोंक रही हूँ मैं दाल,
शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज और टमाटर मिर्ची सब मैंने कट कर लिए थे, साथ ही छोंक के बना दूंगी एक साथ में ही। और क्योंकि ना हालत बहुत ख़राब हो रखी थी और ना तो कुछ खाने का भी मन था और ना ही बनाने का, लेकिन क्या करें, कोई और तो था नहीं, घर पे खाना बनाना तो था ही, तो इसलिए। और मतलब देखने वाला कोई भी नहीं है ना, अभी मम्मी जी भी नहीं है, तो अब लेट भी नहीं सकते हैं, पूरे दिन काम तो करना ही पड़ेगा काम के टाइम पे, वही है। तो अभी 2-3 दिन करेगा परेशान जुकाम, अभी लग जाता है ना तो जल्दी से निकलता नहीं है, फिर 2-4 दिन तो दिक्कत रहेगी। और बस मैंने दाल छोंक दी है और अभी मैं दिया बत्ती कर दूंगी, तब तक ये बन जाएगी और बाकी काम फिर बाद में कर लूँगी मैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6 ही बजे थे। और आजकल ना अंधेरा नहीं होता है 6 बजे, पहले तो हो जाता था, अभी नहीं होता है। तो अभी मैंने बस छोंक दी है, इसमें सब चीज़ें डाल दी हैं और ढक्कन लगा करके छोड़ दूंगी। और फिर यसु ने बोला था कि चावल बना लेना, तो फिर मैंने चावल बनाए थे और थोड़ी सी रोटियां बनाई थी साथ में, क्योंकि ताऊ जी चावल नहीं खाते हैं तो उनके लिए रोटी ही बनाई थी। और मतलब दो दो चीज़ बनाते हैं, झंझट हो जाता है, जैसे दाल चावल कढ़ी चावल बनते हैं तो फिर रोटी भी साथ में बनानी ही पड़ती है, नहीं तो बस दाल चावल बना लें और हो जाए काम, लेकिन ऐसा भी नहीं है, रोटियां तो साथ में बनानी ही पड़ती हैं। और देखिए गाइज, शाम का टाइम हो गया है और अंधेरा हो गया है एकदम से, और अभी मैं करूँगी शाम की ज्योत बत्ती। तो दाल मैं छोंक आई हूँ, दाल बनाऊँगी, मन का दाल रोटी सही रहेगी, सिंपल सा खाना, क्योंकि यीशु की भी ज़्यादा मतलब इच्छा नहीं है और मेरी भी, और मन का दाल ही सही रहेगी शाम के टाइम में। तो अभी मैं ज्योत बत्ती कर देती हूँ इधर, और उसके बाद में दूध गर्म करूंगी और आटा वगैरह लगाऊंगी और इतने सीटी आ जाएगी दाल के, तो जोत कर लेते हैं जी। तो अभी मैं आ गई हूँ पूजा घर में और यहाँ पे करूँगी ज्योत बत्ती, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा भी हो गया था, तो मैंने कहा चलो दिया बत्ती कर देते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी का काम, और ये काम भी करना ही था। तो बस अभी मैं दिया जला दूँगी सभी सभी जगहों पे, बाहर भी जला कर आऊँगी, तुलसी के पास, बाहर गेट के पास, पितर जी के, और सभी जगह पे दिया जलाते हैं हम, और घी की बत्ती से ही जलाते हैं। और बस अभी मेरी दाल बन जाएगी और उसके बाद मैं फिर सेक लूँगी रोटियाँ, धीरे धीरे ही कर रही थी, हालत सच में एकदम खस्ता हो रखी थी, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही था, क्या कर सकते हैं। तो जी बस ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया था आज, बस ऐसा ही छोटा मोटा, सब लोग हैं तो प्लीज़ फुल वॉच करना और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और क्या बताएं आपको। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जी। तो चलिए जी, इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे आपसे कल।